राजद के पूर्व मंत्री औद बिहारी चौधरी लीलावती गिरी, प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी, रघुनाथपुर के राजद विधायक हरिशंकर यादव सहित कई राजद के नेता मौलाना साहब के मजार पर पहुंचे और उन्हें फूल अर्पित कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज यहाँ कोई एक इतना जमीन नहीं देना चाहता, पर देश की आजादी के लिए और उन्होंने इतनी बड़ी जमीन जो सदाकत आश्रम के नाम से जानी जाती है उन्होंने दे दिया। अब प्रति वर्ष आप लोग आते हैं, आप प्रति वर्ष हम लोग भी आते हैं और प्रति माननीय मंत्री महोदय द्वारा पुष्पांजलि मयूरलाल साहब के मतलब जो ये हम लोग मजार पर चादर चढ़ाते हैं और शांति और ये पहले चित्र पे माल्यार्पण करते हुए हमारे माननीय मंत्री पर सरकार के द्वारा लोग आते हैं आदरणीय प्रमोद कुमार गुप्ता जी द्वारा कुछ न कुछ घोषणा करेंगे तो माननीय हमारे विधान पार्षद कि नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आए थे, उन्होंने पिछली बार कहा था कि यहाँ पर अस्पताल खोलेंगे द्वार बनाएंगे, मगर मुख्य द्वार उनके द्वारा नहीं, मतलब की मौलाना साहब की बनाई जा रही है, इस पर आपको क्या मतलब वो जो बताया। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं कहते हैं कि वह काम नहीं था वह जुमला था, इसलिए पर्यटन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ अपना जो फरीदपुर का मजार है हम लोग भी सरकार में थे, तो सरकार में थे तो आप चीफ मिनिस्टर हम ही को मिलता था आने के लिए घोषणा किया कि यहाँ सामुदायिक भवन बनावेंगे, मैंने सामुदायिक भवन जो आपको दिखलाई दे रहा आशियाना से कट रहा था, मैंने घोषणा किया कि इस भवन को जो स्मृति है इसको हम बचाएंगे लगा कर कटाव से मचाने के लिए मैंने काम किया था और मैंने घोषणा किया था कि यह जो है सड़क वहां तक जाने के लिए बनाई जाए, मैंने उस दिशा में और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा छोटे मोटे काम थे उसको किया, पुष्पांजलि सरकार को किया उस घोषणा का अनुपालन होना चाहिए। लेकिन और हमारे मौलाना मयूर हक साहब के आशियाना में मैं समझता हूं कि कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, यह दुखद है। जिसने हमें आज़ादी दिलाने का काम किया आज हम आज़ाद भारत में बिछड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उनके स्मृति को उजागर करने के लिए, जिंदा करने के लिए अंचल पदाधिकारी महोदय वाली पीढ़ी इस महान विभूति को भूल नहीं जाए, निश्चित जो घोषणा करना चाहिए उसको करना चाहिए। यह दुखद है, हम चार करते हैं सरकार को अगर आप घोषणा करते हैं आप पावर में है भाई बड़े शाहरुख के साथ घोषणा को पूरा करने का काम। अगर आपकी सरकार आई, अगर आप लोग आपको फिर जो इस आशियाने की परंपरा रही है उसको पालन करेंगे, जहाँ कभी यहाँ मजूर साहब मदन मोहन मालवीय पंडित मोतीलाल नेहरू होगी की जल्द से जल्द मोहम्मद अली शौकत अली इन लोगों की विदाई हो और जल्द जनता के हित सामाजिक न्याय विचारधारा वाली सरकार बिहार में स्थापित हो। मैं कहना चाहता हूँ हम लोग सत्ता में आएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे समय बतलावेगा, लेकिन इतना आज जरूर कह रहा हूँ मौलाना मजूर भाई साहब के स्मृति मंत्री जी सरकार में आने के बाद जितना करना होगा उतना हम लोग करेंगे, ये आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ।
सभी को मिल दिक्कत आता है, कोई परेशानी आता है तो उसका यहाँ पर हम लोग जो हॉस्पिटल में इलाज करेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो इसको जो हम अपने पी एच सी में ले जाएंगे। सुविधा इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा इमरजेंसी की बात होती है तो हमारे पास एम्बुलेंस लगा हुआ है, एम्बुलेंस से हम अपने पी एच सी में जाएंगे, वहाँ पूछते हैं, वहाँ पर मौजूद होगा तो हम सवाल तक पहुँचाएंगे।